मम्मा जल्दी करो बारिश आ गई। गाइस देखो आज मैं पहली बार भैंस का दूध निकाल रही हूँ। मैं बंदे सोच रहे हैं। चोरी। दुल्हन मिल गई। दुल्हन जरा चेहरा दिखाओ। तुम के बताओ? तुम के बताओ? इधर घूम के बताओ। चलो पहली बार भैंस का दूध निकाल रही हूँ पर मुझे एक भी नहीं था। कैसे होते बोली पड़ा बेटा जो मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। ये बैठ जाओ। पी लो।
सही लगे हो? मीठा होगा? जीजी कहाँ है? जीजी यार जूस ले लिया। और आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि मम्मा पेड़ की सफाई कर रही थी और बारिश भी आ रही है। देखो और देखो कितना अच्छा भी हो रहा है, तो बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। इशू है ना? कैसा हो गया ये एलोवेरा का पेड़? अभी मम्मा इसको साफ करेगी ना। और अच्छा भी हो गया, मीठे में मोटा हो गया ये मोटा। इसके आज सब्जी बनाएंगे हम। हाँ। चलो इसके ये जो इसके रस होते हैं ना ये मीठे मीठे हो गए ना। हाँ कड़वा नहीं है अभी। हाँ। ये पकड़ना ईशा मम्मा है ना, इसको ना ऐसे कूटती है। देखो पेड़ों की सफाई करना ईशू बहुत अच्छा होता है क्योंकि ना पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। और क्या छोड़ते हैं ये? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। और क्या हमें क्या देते हैं ये? ऑक्सीजन गैस। हाँ। देते हैं। तो पेड़ों की सफाई करना बहुत जरूरी है ना? देखो गाइस तो गाइस आपको बता दूं सुबह का टाइम है 7:30 बज रहे हैं और इतना अंधेरा हो गया ना, इतना अच्छा मौसम हो गया ना, बारिश बहुत भयंकर वाली, इतनी भयंकर वाली आने वाली है ना। तो मैं फटाफट कर रही हूँ सफाई क्योंकि ये ना फिर भीग जाएंगे ना। तो ये देखो मम्मा जल्दी करो बारिश आ गई। देखो गाइस हमारा ये एलोवेरा कितना अच्छा होगा। एक दिन बारिश में भी नहीं, बहुत इशू है, बहुत अच्छी है। हाँ कितना अच्छा हो गया ना ये ना, इसका रस है ना बहुत मीठा हो गया ना। ये देखो कितना अच्छा एलोवेरा हो गया। पहले ना बताया ना इतने ये पूरे इतने छोटे थे, इतने छोटे थे। हाँ देखो मामा गुटी गुटी कर रहे हैं पापा। हाँ गाइस हॉल में भी कर रहे हैं पंखा साफ। कूलर में पानी भराई दिखे ठंडा लगा ले कर आई के कूलर में। ईशु तो अब तो पंखा में अब तो पंखो ही चला है, अब तो कूलर छे ही कौन। हाँ कूलर ही कौन है आपने? तो कूलर ही तो है। हाँ कूलर है तो पंखा है। इधर तो पंखा है हमारे कमरे में। कूलर कूलर में पानी भर आई दिखे ठंडा ठंडा गाल कर आई दिखे। हाँ देखो अब कूलर ये रहा मामा और ये कूलर है रहा। अब इसमें क्या भरेंगे? मटकी मतलब पानी मटकी। देखो गाइस अभी चौक का भी पंखा साफ करना, देखो ऊपर से कितना गंदा हो गया। पापा पत्ता लगा रहे हैं। भाई अब भी अच्छी तो बज रही फोटो निकलवा दी। तो गाइस मैं कर रही हूँ चूल्हे को ठीक, क्योंकि आज है ना हम दिल्ली जाएंगे तो जाते जाते ये भी काम कर जाओ। वैसे सारा काम हमने कर दिया, जो जो ऐसा काम था ना कि ये ज़रूरी है मेरी सांस से नहीं हो रहा, तो वो काम मैंने सारे कर दिए हैं। और ये चूल्हा ठीक करूँगी, फिर दूसरा चूल्हा करूँगी, फिर थोड़ा सा मशीन के पास में लीपना रह रहा है वो लीपूँगी भी। तो आज हम दिल्ली जाएंगे तो ये काम मैं करके जा रही हूँ, बाकी फिर बाद में जो भी काम रहते हैं तो वो तो सास कर ही लेती है, पर मेन काम तो करके जाएंगे।
और काफी बेकार भी हो रहे हैं चूल्हे। अब इसको थोड़ी देर बाद में दोबारा बनाएंगे तोड़ के, पर अभी तो इसको ठीक कर लेते हैं मिट्टी से ये, है ना ऐसा। हाँ तो गाइज फाइनली हमने चूल्हा ठीक कर लिया है, और गाइज देख सकते हो इधर ये लड़की मेरी सुबह जैसे उठी है ना, अभी दूध भी नहीं पिया इसने और मेरे साथ ये लग गई। वैसे एक बात आपको मैं बोलूं, मैं तारीफ नहीं करती मेरे बच्चे की, लेकिन है ना इसको किसी चीज़ से कोई एलर्जी नहीं है। दिल्ली में रहती है लेकिन उसके बाद में गांव में आके इसको गांव की चीज़ें तो इतनी पसंद है ना कि मैं जो करती हूँ ये जो कर वही करती है। और गाइज करवाना भी चाहिए बच्चे से कि बाद में बड़े होके बच्चे बोलते ना अरे ये तो मिट्टी है, ये तो इसमें तो भैंस का गोबर भी है, ये है वो सब चीज़ें इनके नखरे बाद में होते नहीं है ये, अगर शुरू से हम इन पर ये सब काम करवाते हैं तो देखो, और होना भी चाहिए। आयशा आप क्या बोलना चाहती हो? मैं तो ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि देखो मैं चूल्हा बनाना भी सीख गई, देखो मैंने नाटक नाटक कैसे बनाया है। पर लेकिन ना मैं ना अभी सीखी भी नहीं, थोड़ा सा ऐसा गल रहा है ना इसलिए। अच्छा। ज्यादा लगा दिया मैंने, और देखो मैंने ना, वैसे आपको लग कैसा रहा है ये सब? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो गाइज आज हम फाइनली दिल्ली जाने का हमारा प्लान बन चुका है कि हम दिल्ली चले जाएंगे आज, तो जाते जाते ये और काम करके जा रहे हैं। और अभी तो यहाँ पे इधर लिपूंगी भी मैं, तो इधर लिपूंगी। तो गाइज इसके ब्लॉक में बने रहना, ये लड़की भी मेरी पूरी हेल्प करा रही है और ये भी लिपाएगी मुझे अभी। कितनी वो हो रही है, बावड़ी हो रही है लिपा के आगे।